नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। भारतीय टेस्ट टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 टेस्ट मैच की सीरीज से बाहर हो गए हैं क्योंकि उनके हाथ में चोट लगी है। भारत का साउथ अफ्रीका दौरा 26 दिसंबर से शुरू होगा, जहां उन्हें 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी है और इतने ही मैच की वनडे सीरीज भी खेलनी है। टीम इंडिया 16 दिसंबर को साउथ अफ्रीका दौरे के लिए रवाना हो सकती है। बीसीसीआई ने आगामी साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए अजिंक्य रहाणे की जगह रोहित शर्मा को टीम का उपकप्तान बनाने का फैसला किया था। इसी बीच सोमवार को भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा और रोहित शर्मा चोट के चलते सीरीज से बाहर हो गए। बीसीसीआई ने जानकारी दी कि रोहित शर्मा की जगह इंडिया ए के कप्तान प्रियांक पांचाल को टीम में शामिल किया गया है। वो बायो बबल में एंट्री भी ले चुके हैं। बीसीसीआई ने रोहित शर्मा की जगह खिलाड़ी को टीम में ले लिया है, लेकिन परेशानी अभी ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि सवाल अब ये है कि उनकी जिम्मेदारियां किसे मिलेगी, मतलब टीम का नया उपकप्तान कौन होगा। सोशल मीडिया पर भी फैंस इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के उपकप्तान के रोल को कौन निभा सकता है। इस पद के लिए कई दावेदार हैं। केएल राहुल को ये जिम्मेदारी मिल सकती है, जो टेस्ट में ओपनर बल्लेबाज की भूमिका में खेलते हैं। केएल राहुल लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा भी हैं, ऐसे में वो इस जिम्मेदारी के लिए तैयार भी हैं। वहीं इनके अलावा चेतेश्वर पुजारा और आर अश्विन का नाम भी अटकलों में है। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच के लिए चेतेश्वर पुजारा टीम इंडिया के उप कप्तान थे, ऐसे में उन्हें यहाँ भी जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं आर अश्विन टीम के एक सीनियर खिलाड़ी हैं जिनके क्रिकेट माइंड की काफ़ी तारीफ होती है। हालांकि ये भी हो सकता है कि इस सीरीज के लिए अजिंक्य रहाणे को फिर से उपकप्तानी दे दी जाए क्योंकि अभी तक वही टीम के उपकप्तान थे, लेकिन खराब फॉर्म के चलते उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। यानी दावेदार तो बहुत हैं, बस इंतज़ार है तो बीसीसीआई के फैसले का। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।